हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं सैमसंग M30 के कैमरे को रिव्यू करने वाला हूं, बताने वाला हूं कि इस मोबाइल के साथ आपको किस तरह का कैमरा मिल जाता है, कौन कौन से सेटिंग्स मिलते हैं और अलग अलग कंडीशंस में मैं फ़ोटोज़ एंड वीडियो लेके आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा कि किस तरह के फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ ये कैमरा जो है वो ले पाता है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक ताकि आप इस मोबाइल के कैमरे के बारे में कंप्लीट जानकारी ले पाएँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर कैमरा स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो इस मोबाइल के रियर की तरफ आपको तीन कैमरा देखने को मिलता है। प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का है विद f1.9, उसके साथ 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा मिल जाता है और 5 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है जिसका f है 2.2। सामने की तरफ आपको 16 मेगापिक्सल का f2 का एक कैमरा देखने को मिलता है। इस मोबाइल के कैमरे के साथ आपको किसी भी तरह का स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगा, इसीलिए स्टेबलाइज वीडियोस लेने में आपको दिक्कत आ सकती है। साथ ही इसका जो कैमरा है वो मैक्सिमम 30 FPS तक शूट कर सकता है, इसीलिए अगर आप चाहते हो कि किसी शॉट को आप हाई फ्रेम रेट में शूट करें तो वो फीचर आप इस मोबाइल में अवेल नहीं कर सकते। अगर कैमरे फीचर्स के बारे में बात करें या फिर अलग अलग मोड्स के बारे में बात करें तो इस मोबाइल के कैमरे के साथ आपको अलग अलग मोड्स जैसे पैनोरामा, प्रो मोड, लाइव फोकस, कंटिन्यूस शॉट, ऐसे अलग अलग मोड्स देखने को मिल जाता है। इस मोबाइल के प्रो मोड के साथ आप ISO एंड वाइट बैलेंस को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन शटर स्पीड या फिर फोकल लेंथ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी मैं अलग अलग कंडीशंस में इस मोबाइल के कैमरे को टेस्ट करूंगा, अलग अलग कंडीशंस में फ़ोटोज़ लूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह का फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ ये मोबाइल ले सकता है। ये कुछ डे लाइट फोटोग्राफ्स है जिसको मैंने इस मोबाइल के रियर कैमरे को यूज़ करके खींचा था। आप देख सकते हो कि शार्पनेस काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर आप फोटो को जूम करते हो तो आपको शार्पनेस में कुछ कमियाँ दिखाई देंगी। अदरवाइज जो कलर पोर्ट्रेट है वो काफ़ी नेचुरल है, आप देख सकते हो। डायनेमिक रेंज भी काफ़ी अच्छा है। डायनेमिक रेंज का मतलब है कि फोटोज़ में डार्क एरियाज़ जो हैं एंड जो ब्राइटेस्ट एरियाज़ हैं उसमें किस तरह का डिटेलिंग है, आप देख सकते हो। यहाँ पे जो डार्केस्ट एरियाज़ हैं उसमें भी आपको डिटेलिंग मिल जाएगी और जो ब्राइटेस्ट एरियाज़ हैं मतलब कि स्काई जो है उसमें भी आपको डिटेलिंग मिल जाती है। तो डेलाइट कंडीशंस में ये कैमरा काफ़ी अच्छा फ़ोटोज़ ले सकता है। अगर मैं पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के बारे में बात करता हूँ तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी एज डिटेक्शन है एंड बहुत अच्छी ब्लर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कलर पोर्ट्रेट भी अच्छा है, नेचुरल कलर ही आपको देखने को मिलता है। अगर मैं वाइड एंगल फोटोग्राफी के बारे में बात करता हूँ तो देख सकते हो कि किस तरह का फ़ोटो इस कैमरे के साथ आप ले सकते हो। यहाँ पे आपको डायनेमिक रेंज इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगा, एवरेज है। आप देख सकते हो कि डार्क एरियाज जो है फ़ोटो में एंड जो लाइट एरियाज है उसमें किस तरह का डिटेलिंग आ रहा है। हालांकि यहाँ पे रियर का 5 मेगापिक्सल का 2.2 एफ का जो सेंसर है वो यूज़ हो रहा है। अगर मैं इंडोर फोटोग्राफी के बारे में बात करूँ तो देखिए, इंडोर पोर्ट्रेट्स में भी आपको ब्लर देखने को मिलता है, लेकिन जो सब्जेक्ट का क्लियरिटी है वो इतना अच्छा नहीं है। कलर पोर्ट्रेट हालांकि एवरेज है, ठीक ठाक है। आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे शार्पनेस सबको देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं इंडोर लाइट कंडीशंस में वाइड एंगल कैमरा यूज़ करके फ़ोटो खींचता हूँ तो कुछ इस तरह का फ़ोटोज़ मिलता है, देख सकते हो आप। यहाँ पे भी बिल्कुल शार्पनेस नहीं है। अगर इंडोर डायनेमिक रेंज के बारे में बात करूँ तो देखिए, इस फोटो में आपको डार्क एरियाज में बिल्कुल डिटेलिंग देखने को नहीं मिल रहा है, हालाँकि जो ब्राइट एरियाज है वहाँ पर आपको कुछ डिटेलिंग देखने को मिल जाता है। ओवरऑल इसका डायनेमिक रेंज एवरेज है एंड जो कलर पोर्ट्रेट है वो भी एवरेज है। अगर मैं वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो इस मोबाइल को यूज़ करके आप फुल HD एंड HD रिजोल्यूशन के वीडियो शूट कर सकते हो। हालांकि यहां पे आपको अलग अलग एस्पेक्ट रेशियो का ऑप्शंस मिल जाते हैं। इस मोबाइल के साथ आपको किसी भी तरह का स्टेबलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए स्टेबलाइज वीडियो शूट करने में आपको दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा आपको मोबाइल में कोई स्लो मोशन का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। डेलाइट कंडीशंस में वो रियर एंड फ्रंट कैमरा अच्छी डिसेंट वीडियोस आपको दे देता है जो कि आप सोशल मीडिया वगैरह में आराम से यूज़ कर पाओगे। शार्पनेस एवरेज है, कलर जो पोर्ट्रे करता है वो नियर नेचुरल है, डायनेमिक रेंज भी एवरेज है। लेकिन जैसे ही आप इंडोर कंडीशंस में वीडियो शूट करोगे तो वहाँ पे आपको शार्पनेस की कमी दिखाई देगा और जो नॉइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ओवरऑल प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो कैमरा है वो डिसेंट है, डे टू डे यूज़ के लिए डेफिनेटली आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप हाई एंड की वीडियो शूट करना चाहते हो या फिर फोटोग्राफी करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इस मोबाइल को यूज़ नहीं कर पाओगे। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से इस मोबाइल के कैमरे के ऊपर एक डिसेंट आइडिया आपको मिल गया होगा एंड आप डेफिनेटली
जान गए होंगे कि किस तरह का कैमरा इस मोबाइल के साथ आपको मिलने वाला है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो को लेकर कुछ सुझाव आपके मन में है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए बस इतना ही, और मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ मेरे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।